उत्तर प्रदेश के रामपुर में लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है आवास योजना का पूरा लाभ, जिससे ग्रामीण परेशान है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर। क्या नाम है आपका? रामपुलाल। रामपुलाल कहाँ रहते हैं आप? भुतनापुर रहते हैं, मोहम्मद रहम का मजरा। भुतनापुर रहते हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? ये साहब मकान की आ रही है, हम टूटे फूटे घर में रह रहे हैं और हमारा कमरा आ रहा है वो हमें नहीं मिलना चाह रहा है। कमरा आपका लिस्ट में आ गया है? आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये कच्चे घर में कितने समय से रह रहे हैं? लगभग कच्चे समय से तो बहुत दिनों से रह रहे हैं साहब। बहुत समय से रह रहे हैं। हाँ। तो आपका लिस्ट में नाम आ चुका है? आ चुका है। तो कौन है जो आपका लिस्ट में से नाम हटाना चाह रहे हैं और किसी दूसरे को देना चाह रहे हैं? कुछ अधिकारी हैं या फिर आपके कुछ गाँव के हैं या प्रधान वगैरह हैं? ब्लॉक के हैं, प्रधान होगा ब्लॉक। प्रधान ब्लॉक के हैं साहब। अब हम तो गांव वाले आदमी, हम जानते नहीं, आते जाते नहीं है, तो बूढ़ेपन पे आप कहाँ जाएं। कितने बच्चे रह रहे हैं आपके इस घर में? अभी जो कच्चा घर है इसमें दो लड़की और एक तीन बच्चे, मतलब आपकी बीवी भी है और दो बच्चे हैं आपके? हाँ। चार लोग हैं आप? हाँ। तो बारिश पड़ दिया तो आपको कोई परेशानी वगैरह काफ़ी पड़ दी होगी? हाँ, तो साहब इतना उधर कम किस्में तान लो, कुछ कर किस्में रह लो, कहूँ पड़ोसी पड़ोसी के में रह लेते हैं। तो आपने इसको लेकर शिकायत की है अधिकारियों से? शिकायत ना करिए। एप्लीकेशन तो दी होंगी ना? हाँ। एप्लीकेशन दी है? हाँ जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा था कि आपको आवास दे दिया जाएगा? हाँ कह तो रहा है कि दे देंगे, मगर दिया नहीं है। दिया नहीं है। आपका क्या नाम है? रजनी। आप इनकी पत्नी हैं? हाँ। पत्नी है ना? हाँ। तो आपको भी समस्या आती है बारिश में? जब बारिश पड़ती होगी तो अंदर पानी भी चला जाता होगा? तो चले जाते हैं इधर उधर, दूसरे के घर में चले जाते हैं आप लोग? घर में जाते हैं। काफी परेशानी हो रही है आपको? काफी। कितने बच्चे हैं आपके? तीन है। तीन? दो बच्चे हैं ये जो खड़े हैं आपके बच्चे ही हैं ना दोनों? तो मतलब ये लोग पढ़ने वढ़ने जाते हैं? हाँ जाते हैं। पढ़ने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं, ना जाता अभी नहीं जाते हैं। ये जाते हैं। अच्छा, ये जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अब प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? अब जाया का कमरा बन जाना। प्रधान से आपने कहा था? हाँ, कमरा बनवा। प्रधान से कहा था आपने? हाँ, हाँ। प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान कह रहे हैं देंगे आप। अच्छा, मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये गरीब परिवार हैं और इनका कहना था कि कमरा के लिए कह रहे थे, लेकिन कुछ प्रशासन और अधिकारी जो हैं वो उनकी मिलीभगत से वो किसी और को देना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने मीडिया का सहारा लिया और अपनी बात रखने के लिए इन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था। हम यहाँ पे आए हैं और हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं सच्चाई क्या है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब लाभार्थी के पास में आवास आ जाता है लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता है। संवाददाता सत्यवीर सागर की रिपोर्ट।